अस्सलाम वालेकुम खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं मीरब के साथ। मीरब एक ऐसी बाहिम्मत लड़की है जिसने 20 साल की उम्र से ही अपना खुद का मतलब कि एक काम करना स्टार्ट कर दिया और वो ट्रेनिंग भी ले रही है डिफरेंट बेकरीज़ में, लेकिन गो फ्लावर के साथ शी इज़ एंगेज्ड। आइए उनसे जानते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं और उन्होंने ये स्टेप क्यों उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज इस टाइम 20। 20 ईयर्स की हो और यू आर इनटू द फील्ड नाउ, आप काम भी कर रहे हो, तो क्या बेसिक वजह थी, आपने अपनी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट? एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में थी जब से मैंने लास्ट दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था। मैं अपवा कॉलेज में पढ़ी थी उस टाइम। मेरा ये था कि मुझे अपने एक्सपेंसेस, अपने सारे एक्सपेंसेस अपनी खुद उठाना था। मैंने किसी पर बर्डन, यानी मुझे ये था कि शायद मैं अपने पापा से ना लूँ ये वो। मेरा यानी शुरू से यही था कि मैंने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद उठाने हैं, इंडिपेंडेंट होना है। तो इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट की, तब मैं एज अ ट्रेनिंग गई और मुझे गोफ्लार की लाइक इंस्टीट्यूट में मुझे काम करने का मौका मिला। और स्टार्ट में मैंने ट्रेनिंग जब स्टार्ट की तो सारी चीज़ों को समझा, लाइक बेकरी आइटम्स, बेकिंग में किस तरह, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सारी जो हैं वो वुमेन्स हैं। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और हमारी जो ऑनर है वो भी वुमेन है, मिस आसमा शाह। और उसके बाद मैं अभी तक लाइक अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और अभी तक मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। स्टार्ट में मैं ट्रेनिंग गई थी सर्विंग के लिए और अभी मैं एज अ कैशियर वहाँ पे काम कर रही हूँ। सो आपकी इंस्टीट्यूट में मतलब कि आपकी इस इट्स अ बेकरी राइट? यस। इस बेकरी में आपकी आपके अलावा कितनी औरतें काम कर रही हैं? हमारे अलावा बहुत सारी होते हैं, लाइक फ्रंट पर भी वुमेंस हैं, किचन में भी हैं, बेकरी में भी वुमेंस हैं। मतलब कि योर ओनर इज डीलिंग विद ईच एंड एवरी वुमन राइट नाउ? यस। और कुछ मेल स्टाफ भी हमारे साथ काम करते हैं पर मोस्टली जो है वो वुमेंस हैं। ठीक है, तो आप अपना कितना टाइम देते हो अपने जॉब को? मेरा एक्चुअली है कि वीक में 3 डेज जो है मेरे फुल जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का टाइम इस तरह है, 3 डेज फुल जा रहे हैं, बाकी जो 4 डेज हैं उनमें मैं हाफ कर रही हूँ। अच्छा, उसमें आप हाफ कर रही हैं? Yes, so, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आप कितना अर्न कर लेते हो? मैं अपनी फीस तो निकाल लेती हूँ एक तरह, क्योंकि अभी मेरी फ़ी जा रही है पर सेमेस्टर जा रही है जो 70,000, तो मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। उसके हिसाब से क्या कर लेती हूँ? अर्न कर लेती हूँ यहाँ से, लाइक मेरा ये क्या 20-25 मेरी पर मंथ है। सो व्हाट योर पेरेंट्स डू? मेरी मम्मा जो हैं वो एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, लाइक वो होता है ना साथ में हेल्पर जो होते हैं वो काम करती हैं। और मेरे पापा जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा, आपके पापा ऑटो चलाते हैं और आप यहाँ पे अपना फुल फ्लेज जो है अपना बेस्ट दे रहे हो ताकि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सको। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई मस्ट से दैट। इसके अलावा आपके ज़िंदगी के क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या करना चाहती हो? एक्चुअली मैंने बिज़नेस फील्ड इसलिए चुनी थी कि मुझे बैंकिंग करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं गोफ्लावर देखती हूँ, लाइक बिज़नेस खड़ा हुआ बिल्ड किया, किस तरह लो लेवल से स्टार्ट किया, इस तरह मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैंने अपना बिज़नेस करना। अच्छा, व्हाट्स द बेसिक स्टोरी बिहाइंड गोफ्लावर? ये कब और कैसे तामीर में आया, क्या इसकी कितनी ब्रांचेज हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट से आपकी मैम ने स्टार्ट किया था? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था आज से 2018-19 में स्टार्ट हुआ था, तो इसको अभी 4-5 साल हो गए हैं। और इसकी अभी 2 ब्रांचेज हैं, एक तो हमारी जो मेन ब्रांच है वो MM आलम रोड पे है, 51B1, और दूसरी जो ब्रांच है वो हमारी है गोलकस मॉल में। और अभी दोनों ही मैम रन कर रही हैं दोनों ब्रांचेस। न्यू प्लान है कि हम और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो हमारी यानी इससे ब्रांचेस में, तो जैसे खुदा ने चाहा होगा। सो क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का? सब बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली हमारी ब्रेड्स जो हैं वो सब बहुत पसंद करते हैं। हमारी स्पेशल जो ब्रेड है जो गोफ्लावर की, वो सावरडो है। अच्छा। जो कि सावरडो हमारी खुद होममेड ब्रेड है, स्टार्टर से लेकर हर चीज़ तक हम घर बनाते हैं, लाइक बेकरी में बेक एवरीथिंग फ्रेशली राइट? यस, डेली जो है वो सब कुछ फ्रेश बेक होता है। अच्छा, अभी हमारे पास आज का क्या मेन्यू है? आज हमारे पास सैलड्स हैं, सैंडविचेज हैं, वड़ा पाव, चाट्स हैं, उसके अलावा ड्रिंक्स हैं फ्रेश जो हम फ्रेश बनाएंगे, लाइक हिबिस्कस आइस टी है, स्ट्रॉबेरी आइस टी है, लेमोनेड है, और उसके अलावा हमारे बेकरी आइटम्स जो भी आ रही हैं, पैटीज हैं, ओपन टार्ट्स हैं,
और ये सारा कुछ। लज़ानिया भी है? लज़ानिया भी है। और आपकी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर डिश है, सैलड्स हैं जो भी है, वो कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारा वैसे भी जाता है ना, हमारा पेस्टो सैंडविच बहुत जाता है। पेस्टो सैंडविच सबको बहुत पसंद है। उसके बाद है लज़ानिया, बीफ लज़ानिया। इस टाइम हमारे पास हम मिले सेल कर रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है सबको। चिकन का कोई चांस नहीं है? चिकन में हमारे पास सैंडविचेस हैं ना। चिकन में हमारे पास सैलड्स भी हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मीरब, इट वॉज़ लवली मीटिंग यू। और हाँ, जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्या लगता है पाकिस्तान के औरतों को उनके हकूक़ पूरे दे रहे हैं? पाकिस्तान में औरतों को कुछ जगह पे होता है कि सबको उनके हक मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये है कि कहते हैं जी नहीं, बस औरतें घर बैठ जाएँ और कुछ भी ना करें। होता है, स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो कुछ लोग कहते थे कि भी तुम काम कर रही हो, क्यों काम कर रही हो, लाइक हमारे वहाँ पर भी इस तरह का कुछ है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, उसको करने दो। तो यहाँ पे आपको फील्ड में रहते हुए कुछ फेस करना पड़ा ऐसे कि किसी कस्टमर ने कभी कोई बदतमीज़ी की हो या कोई इस तरह का सीन? नहीं नहीं, हमारे कस्टमर्स भी वैसे बहुत अच्छे आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी तो जाहिर बात है हम काम कर रहे हैं, हमने उसको मैनेज करना है, हमने किस तरह करना है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।